ऐसा पांच ऐसा काम किया है, उस पांच काम जो है उसको उस मुकाम तक पहुंचा दिया। हम भी बहुत इंप्रेस्ड है, मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है भाई। एबेस का प्रार्थना से हम भी प्रभावित है, क्योंकि वो प्रार्थना जैसा ही कर दिया वैसा ही वो महान आ गया, महान हो गया। और हम भी मॉडर्न जमाने में जी रहा है, कंप्यूटर युग में जी रहा है, हमें भी वो ही आदत आ गया, हम भी कॉपी करते पेस्ट कर देते ये लाइन को ऐसा ही कॉपी करते ऐसा ही पेस्ट कर देते। चार लाइन में उसका तकदीर बदल गया, चार बातों में उसका लाइफ बदल गया, लाइफ स्टैंडर्ड बदल गया, लाइफ स्टाइल बदल गया। हमें एक बार ये दुआ हम बार बार करने के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं बदल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। कहा ना कहा प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम है मगर हम देख लेंगे, यहाँ जान लेंगे इस क्लास में। सो 2019 वैसा नहीं रहेगा जैसा 2018। हैरानी का बात मालूम है, 2000 हम जिस साल में हम जी रहा है इस समय में, ये साल जो है अभी भी जवानी में ही है, टीनेज में ही, 19 है। आमेन। इस नया साल जो है हमारा जीवन में नया बरकतों को लेकर बैठा हुआ है, नया अभिषेक को लेकर बैठा हुआ है, नया मोड को लेकर बैठा हुआ है, नया बातों को लेकर बैठा हुआ है। आमेन। अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ने लोगों के लिए है आज का मैसेज, बढ़ने लोगों के लिए है आज का मैसेज, महान बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए है आज मैसेज। अभेश का माँ जो है ये नाम उसको रख दी, उसके लिए बदनसीबी ही था वो नाम, बदनाम था। किसी कोई भी शादी में भी उसको नहीं बुला रहे थे, क्रिकेट टीम में नहीं बुला रहे थे, चेस खेलने के लिए नहीं बुला रहे, हॉकी खेलने के लिए नहीं बुला रहे थे, किसी भी अच्छा काम के लिए उससे शुरू नहीं कर रहे थे, ना ही अंत कर रहे थे, ना ही बीच में रखते थे, ना शुरू में था ना बीच में था ना अंत में था। शुरू में रहा तो शुरू में ही इसका नाम क्यों ले रहा है, अंत में रहा तो अंत में उसका नाम रहकर हम क्या चित्र खाना, बीच में रखा तो कोलैप्स हो जाएगा, तो कहीं भी रखने का लायक नहीं है। उसको नाम लेने का लेने के लिए भी लोग दो तीन बार नहा ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा नाम ले रहा। हेलो, आज भी हमारा भारत जातियों का नाम भी कुछ ऐसा ही है। हेलो हमारा भारत में जातियों का नाम भी कुछ ऐसा ही है। पास्टर जी मेरा बेटा को लड़की चाहिए, हाँ जरूर मिल जाएगा। ध्यान देना जाति का सेटिंग थोड़ा, कौन सा जाति है, कौन सा कॉन्टिनेंट से आए हैं, कौन सा दुनिया से आए हैं, कोई एलियन तो नहीं चाहिए आपको जाति को ध्यान देना, जाति के पीछे इसका प्रजाति खत्म हो जाता है मानव जाति का प्रजाति गुमशुदा हो जाएगा जाति का पीछे। बाइबल में कुछ लिखा हो, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगा। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। सुभाष चंद्र बोस एक अच्छा बात कर रहे हैं, मुझे एक बूंद लहू देना, मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। गिव मी ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम टू यू। हेलो, आजादी के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा, महान होने के लिए भी कीमत चुकाया जाएगा। इफ यू वांट टू बिकम ग्रेट, जितना महान आप बनना चाह रहे हैं उतना ही कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। वो एक दिन का प्रोग्राम नहीं था, वो प्रोग्राम नहीं था, वो प्रोसेस था, वो क्रिया नहीं था, सिलसिला था। एक दिन इतना चार लाइन उसने इकट्ठा करने, सार लाइन बोलने के लिए 40 साल लग गया होगा जाबेज़ को, क्योंकि वो सारे ये लाइन, अच्छा ये लाइन आया तो सबसे पहले महान बनने के लिए महान बनाने वाला परमेश्वर हमें चाहिए। महान बनाने वाला परमेश्वर ही आपको महान बना सकते हैं। देयर इज नो बाईपास रास्ता है आपके लिए, शॉर्टकट रास्ता नहीं है महान बनने के लिए। महान बनने के लिए ही आपको राइट रॉयल वे में ही आपको स्ट्रेट में जाना होगा। प्राइज द लॉर्ड, आमेन। सबसे पहले बाइबल में लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, जाबेज क्या किया, इसराइल का परमेश्वर के पास आया। इसराइल का परमेश्वर कौन है, सारे ब्रह्मांड को जिसने बनाया हुआ है। इसराइल का परमेश्वर जो है, हर एक वायरस का एंटीवायरस उसके पास है, हर एक समस्या का सोल्यूशन
आंसर उसका पास है, हर प्रकार का आंसर को नाट्य में तब्दील करने का अधिकार और अभिषेक उसके पास है, और हर प्रकार का दुविधा को सुविधा में तब्दील कर देने का अधिकार अभिषेक उसके पास है, और वादाओं को देखकर निभाने वाला दिल उसके पास है, अभिषेक देने वाला मसीहा है, और इस्राएल का परमेश्वर जो है आपको जहां आप नहीं चढ़ सकते उस पौड़ियों के ऊपर, उस सीढ़ियों के ऊपर, उस चोटी के ऊपर आपको पहुंचाने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। इस्राएल का परमेश्वर वो है, आपका उम्र को बढ़ा देने वाला परमेश्वर है, मौत को हरा देने वाला परमेश्वर है, मायूसी को मिरेकल में तब्दील कर देने वाला परमेश्वर है, बंधन को तोड़ देने वाला परमेश्वर है, बीमारी को खत्म कर देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला यहोवा राफा है, साथ देने वाला यहोवा निस्सी है, साथ रहने वाला इमानुएल परमेश्वर है, बचाने वाला यीशु मसीह है, दुष्ट आत्माओं से लड़ना सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। प्राइज द लॉर्ड। इसराइल का परमेश्वर जो है आपको रात को सवेरे में तब्दील करने वाला परमेश्वर है, आपका रोना को रौनक में तब्दील कर देने वाला परमेश्वर है। इसराइल का परमेश्वर के ऊपर उसने पीएचडी कर दिया। आज आप लोग उपवास रखे हैं, आप लोग प्रभु का हजूरी में बैठे हैं आज के तारीख में, आपको पता भी है वो क्या कर सकता है, वो क्या कर देगा, वो क्या कर दिया, क्या कर देता है, क्या क्या कर सकता है। भूत वर्तमान भविष्य काल में ना बदलने वाला परमेश्वर है, आपका तकदीर को बदल देगा। आमीन। सबसे पहले उसने वो पॉइंट को हिट कर दिया जो पॉइंट उसको सख्त जरूरत था, उसने पूरा ढूंढ ढान कर छान भीन कर उसने बाहर लेकर आया। इसराइल का परमेश्वर ही इस समय मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। यबेस का बारी जब आया है वो ऐसा लगा इसे रेगिस्तान में ओयासिस जैसा समझ बाहर लेकर आया गया। सिर्फ वो पैदा होने के लिए पैदा नहीं हुआ, पैदा हुआ तो फायदा के लिए पैदा हुआ है और महान बन गया उसे। आपका बारे में जब आपका नाम आने से आएगा तो उसके नीचे हजारों आपका बारे में बात आना चाहिए, इसने किया ये किया ये किया ये किया ये किया और चला गया। प्रेज द लॉर्ड। सभी नाम ऐसा ही लिखा हुआ, मगर जब याबेस के पास आया तो कहानी थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आया। याबेस सभी भाइयों में से महान, क्या भाई लोग महान नहीं थे, क्या उसे दादा परदादा लोग महान नहीं थे, हो सकते हैं वो, मगर वो सभी लोगों के पास थ्योरी था मगर याबेस के पास प्रैक्टिस था। सभी लोगों के पास सिर्फ अल्फाज ही था, इसके पास तो अल्फाज को यकीनन में बदलने वाला बातें था, हकीकत था उसके पास। प्राइज द लॉर्ड। उन लोगों के पास रियल था, इसके पास रियल था, कुछ बनना है, पैदा हुआ तो कुछ होना है। आमेन। दुनिया में आए हैं तो कुछ कर देना है। आमेन। हालेलुया। एक छोटा सा लड़का था, बहुत बढ़िया खेल रहा था, जबरदस्त खिलाड़ी था। अचानक उसका 15 साल की उम्र में उसका धड़कन बढ़ गया, दिल का हार्ट बीट बढ़ गया, बढ़ते गया। तो डॉक्टर लोगों के पास लेकर गए, डॉक्टर लोग उसको चेकअप किए, डॉक्टर एक दूसरों को सारा चेहरा देखने लगे, यार इसको तो हार्ट का डिसीज है, दिल का तो पड़ रहा है। सो उनको पूछा इसका बाप क्या कर रहा है, इसका बाप जो है एक माली है सर। डॉक्टर लोग जो है तरस खाए, और उसका बाप जो इतना पैसा वाला आदमी नहीं है, माली है, जस्ट चीजों को कौन सा दरख्तों को पेड़ पौधों का पानी डालने वाला आदमी। उसको बुलाए, सर देखिए एक बात हम बोलना चाह रहा है, इस लड़का को हार्ट प्रॉब्लम है, दिस बॉय इज हैविंग हार्ट डिजीज। नंबर वन जो है ओपन हार्ट सर्जरी करना है, और ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए इतना पैसा लगेगा और उतना तो आप नहीं दे सकते। नंबर वन। नंबर दो, ओपन हार्ट सर्जरी करने का समय हो सकता है ये बचेगा या मरेगा, मर भी सकता है बच भी सकता है। नंबर दो। तीसरा वाला जो है अगर बच गया तो हो सकता है ये खेल भी सकता है, कभी कभी खेल सकता है। तो ये सारे झंझट में अगर नहीं पड़ना है तो इस लड़का को ऐसा मोटिवेट कर दो वो फुटबॉल नहीं खेले। उसको घर में लेकर गए, बेटा देखो बात है हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप हम गरीब हैं तो इसीलिए काम करेंगे बेटा, फुटबॉल छोड़ दो, कहानी खत्म कर दो। उसे बोला लड़िए काम करना,
अब आप कुछ भी करो, मुझे मैं ओपन हार्ट सर्जरी करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं फुटबॉल नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। सो इसे इतना जिद्दी पकड़ा, इतना जिद्दी पकड़ा, तो किसी ना किसी रीति से उन लोग कहाँ कहाँ से खर्चा उठाकर उसको ओपन हार्ट सर्जरी के लिए लेके चला। ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेस हो गया। जैसे ही वहां से वापस आया, एक दो साल कर्जा उतारते उतारते ही उसका डैडी का मौत हो गया। आधा कर्जा वैसा ही रह गया, जो भी जितना भी बोझ है जिम्मेदारी जो है इस लड़का को ऊपर आ गया। मगर उसने उसका पैशन जो था, कुछ बनने का जो इरादा जो था, इतना फौलादी था, इतना बढ़िया, इतना मजबूत था, वो करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया, आज वर्ल्ड रिनाउंड फुटबॉल प्लेयर है। जब वो एक खेल के लिए जाता है, वापस आने के लिए उसका एक तनख्वाह जो है, जिसको बोलते हैं गौरव वेतन, बोलते हैं मतलब जो खेल के लिए खिलाड़ी को मिलने वाला तनख्वाह जो है 1,864 करोड़ ओनली। एक गेम के लिए उसको मिलने वाला तनख्वाह $61 मिलियन। क्यों इतना अमीर हुआ वो? इसीलिए क्योंकि उसने अपना हिम्मत को नहीं हारा। कुछ बनने का इरादा जो है आपको मरने नहीं देगा, सबसे पहले आप उसके पास जाएंगे। ऐसा कौन बना सकता है? आमेन, आमेन। कोई भी एक विद्यार्थी है, आप आईपीएस करना चाह रहे हैं, आईएएस करना चाह रहे हैं, हैकर बनना चाह रहे हैं, हाइकर बनना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसका गुरु को ढूंढते हो, ढूंढते हो। आमेन, आमेन। बिल्कुल इसी रीति से नसीब को चमकाना चाह रहा है, तकदीर को बदलना चाह रहा है, जिंदगी में आशीष को लेना चाह रहा है, तो आशीष देने वाले का गुरु को ढूंढना है। और वो जो है इतिहास में इतना क्रॉस रेफरेंस इसको रखा है, अब्राहम को ब्लस किया, इसहाक को ब्लस किया, याकूब को ब्लस किया, मूसा को ब्लस किया, इतिहासों का पन्नाओं में हर किसी को उसे, जो कोई भी उसको पकड़े उसको धोखा नहीं दिया, जिस किसी को भी वो पकड़ा उसको चमका दिया। हालेलुया। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या करना मालूम है? आप उसका गुरु को, माहिर को ढूंढना है, हाकिम को ढूंढना है। मैं कहां से आया मैंने नहीं रखता है, कहां जा रहा हूं मैंने रखता है, कैसे आया मैंने नहीं रखता है, कहां पहुंचा मैंने रखता है। प्राइस द लॉर्ड, आमेन। डॉक्टर अब्राहम लिंकन 22 बार इसका जीवन में फेल हो गया, मगर फेल्यूर को उसने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जब बेस का मां भी उसका नाम तो रख दी, मगर उसका मां भी उसको साथ दी होगी, बेटा ये नाम रखने के लिए मजबूरी, क्योंकि मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। जब भी मैं आपको देखता हूं वो बात हिस्ट्री था, आप एक जो है इतिहास में जैसा वार मेमोरियल जैसा है, युद्ध का एक निशान जैसा है, उस परेशानी का निशान है, इसीलिए जब कभी भी मैं नहीं रखना चाह रहा तो भी लोग आपका नाम रख दिए। हेलो, और मुझे मजबूर कर दिए यही नाम रखना, क्योंकि इसका वजह से हुआ है हमें भी तारीख याद रहेगा, आपका तारीख का पीछे मुझे तारीफ काबिल नहीं बना दिया आप लोग। तो बड़े परेशान हो गए हो, उसने बोला सबसे पहले उसका बैकग्राउंड उसे सेट किया, पीछे गया, क्या किया सर, स्तुति आ गया। नंबर दो, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसने समझौता नहीं किया उसका दुख के साथ, समझौता नहीं किया उसका परेशानी के साथ, समझौता नहीं किया उसका टेंशनों के साथ, समझौता नहीं किया उसका स्थितियों के साथ। कुछ तो करना है, और जो सोचता है वो ही कुछ कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। वो समझौता नहीं किया, इसीलिए सीमा रहित आशीषों का वारिस बन गया। आमेन, और वो वहां से वहां तक पहुंच गया। कहां से कहां तक पहुंच गया मालूम है? प्रिजन से प्रेस तक पहुंच गया। हो सकता है जो परेशानियां आपका जीवन में आज आपको परेशान कर दे रहा है, जो दुख दर्द आपको परेशान कर दे रहा है, हो सकता है वो एक जेल जैसा है, मगर परेशान नहीं होना, जेल में भी जन्नत को झुका कर लेकर आने वाला चीज हमारे साथ है। तीसरा पॉइंट जो है, प्रिजन से प्रेस तक चल गया उसे, और मिस्टर अननोन पर्सन बिकेम वेल नोन पर्सन। अननोन व्यक्ति जो है वेल नोन व्यक्ति बन गया, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से हाथ मिलाया। वो कॉन्स्टेंटली प्रेयर वॉरियर था, वो
बार बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, बार बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, बार बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारने वाला व्यक्ति था। प्रभु याद है ना, प्रभु याद है ना, प्रभु याद है ना, मैं ये बात बोल दिया बाप को याद है ना, कुछ तो कर देना प्रभु, नहीं तो मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा। परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया। सारी लाइन बोला भाई में लिखा हुआ, जो भी कुछ उसने दुआ किया परमेश्वर उसको दे दिया। अगर यब्बेस इतना बड़ा पुस्तक लिखकर परमेश्वर का हाथ में रखा हुआ तो परमेश्वर भी लास्ट में यही बना था, पर जो भी उसने मांगा दे दिया। वो देने में दिलचस्पी रखता है, मांग मांग कर तो देखो। फिफ्थ पॉइंट, प्रार्थना करना बड़ा बात नहीं है, प्रार्थना करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तरीका मालूम हुआ तो तकलीफ मिट जाएगा, तकदीर चमकेगा, तस्वीर बदलेगा, तारीख की पन्नाओं में आपकी कहानी काबिले तारीफ हो जाएगा। तरक्की के लिए तरीका जरूरी है, मेथड चाहिए, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, पता ही नहीं कैसा इस्तेमाल करना। यू नो एवरीथिंग बट डोंट नो हाउ टू यूज इट, तो क्या फायदा है। एलिया क्या किया, ऊपर हाथ उठाया, बोला प्रभु बात ऐसा है, मेरा थोड़ा सा काम कर देना। क्या होना, 3.5 साल तक बारिश नहीं आना चाहिए, याद रखना। परमेश्वर ने बोला क्या एलिया दिमाग भी है खराब हो गया क्या, इतना आपका चेहरा का पीछे इतना लोगों को बारिश को मैं क्यों नहीं भेजूंगा। उससे मुझे लेना देना नहीं, मुझे बारिश नहीं देखना चाह रहा हूँ, जरा सा भी एक 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 जरा सा भी बारिश नहीं गिरना चाहिए। 3.5 साल याद रखना परमेश्वर, 3.5 साल परमेश्वर ने क्लोजअप कर दिया। 3.5 साल के बाद हाँ परमेश्वर गुड मॉर्निंग आने के साथ ठीक है ना, देखो ऐसा है बारिश भी आएगा। परमेश्वर बोल भाई तू क्या समझ कर रखा है परमेश्वर को, बार बार एक बार बोला था 3.5 साल तक बंद करने के लिए, मैं अभी नहीं बंद कर, अभी नहीं खोलूंगा, मैं कम से कम 7-15 साल का बात करूंगा। नहीं नहीं 3.5 साल बोल दिया तो कर दिया, अभी मैं अभी आज शाम तक बारिश आना चाहिए, कुछ भी कर लेना। कितना कितना बढ़िया लेसन देखिए, वो जैसा दुआ कर रहा था उसके पीछे एक उसका चेहरा था, बहुत बढ़िया चेहरा था वो, जैसा गुरु वैसा चेहरा। उसने दुआ किया प्रभु बारिश का ख्याल क्या हुआ, अरे बेटा आप जाकर देखो बादल आ गए तो समझो बारिश आ जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सातवां बार उसको मालूम हो गया, यार मुझे नहीं देखा तो मुझे ऐसा ही पूरा रात तक दौड़ाएगा, मुझे भी देखना पड़ेगा। बादल नहीं है तो भी बादल को वर्णन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आत्मिक आंख भी खुलना पड़ेगा। सो दूर से कहा थोड़ा सा चिट्टा चिट्टा जा रहा, यही बादल समझ रहे गुरु जी, इतना सा बादल ऐसा है, चलो बस यही चाहिए। ये बात प्रभु ने पहली बार ही सुन लिया, मगर इस लड़का को बार 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 कर इसको भी चीज जो चीज है ही नहीं उसमें से सब कुछ है जैसा विश्वास को उत्पन्न करने के लिए इसको दौड़ाया। पास्टर आपका पास्टर को बार 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 प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, एक दिन आप हार कर हाँ पास्टर जी सब ठीक हो गया पास्टर जी, उसका बात ठीक हो जाएगा। जिस दिन आपने बात बोल दिया ना उस दिन से आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा जैसा आपका सोच है वैसा आप है, बोलो भाई मैंने लिखा हुआ। अब क्या सोच रहा है आज, मैं गरीबी में ही रहूंगा, मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे जीवन में कुछ बढ़िया नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं एक दिन पकड़ा जाऊंगा, जो मुझे छित्र मार मार कर भगाएंगे, ऐसा का सोच है। अय्यूब क्या बोल रहा था मालूम है, जिससे मैं डरता था वही बात मेरे ऊपर आ पड़ा। गरीबी से डरता है, व्यभिचार से डर रहा है, गिर जाने से अब डर रहा है, मर जाने से अब डर जाए, गुजर जाने से अब डर जा रहा है, अकाल आपका जीवन में आने से मर जाए, जिस बात से डर रहा है ना वो बात का एक दिन आप गुलाम है। रूजवेल्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट एक अच्छा बात बताया मेरा, उसने एक बार सभी लोगों को अनाउंस कर रहा था, वो आर्मी लोगों को उन्होंने अनाउंस करते हुए बताया धन्यवाद आप सभी लोगों को, आपने यहाँ खड़े हैं युद्ध करने के लिए, आप लोगों को यही बात बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आप इतना और क्या क्या प्रचार करके मैं आपको हिला दूंगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको डरना चाह रहा है
ना मौत से डरिए ना ना अंधेरे से डरिए ना गरीबी से डरिए ना दुनिया का हर प्रकार का व्यवस्थाओं से स्थितियों से परिस्थितियों से नहीं डरिए। आपको डरा देने आपको मारने का और डरा देने का दम सिर्फ और सिर्फ डर को ही है। सो इसीलिए डर से ही डरिए और किसी से नहीं डरना। किससे डरना बोले किससे डरना? डर से डरना। डर ही आपको डरा देगा, डर ही आपको हिला देगा, डर ही आपको रुला देगा, डर ही आपको थरा देगा, डर ही आपको हर बातों में पीछे लेकर चला जाएगा। अगर डरना है तो डर ही से ही डरिए। इसलिए यीशु मसीह बाइबल में लिखा 366 टाइम लिखा हुआ मत डरो। यह बेस नहीं करा, डरने वालों को गिनती मिले जिसका कलेजा मजबूत रहता है वो डरता है। पूरा आंधी तूफान हिला दे रहा था, सभी लोग डर गए और उनको मौत याद आ गया, मरने का वो लास्ट सॉन्ग उन लोग याद आ गया। अरे हम डेथ होने के बाद कौन सा गाना अपने लोग गाएंगे? इस बातों में आकर यीशु मसीह के पास आकर प्रभु आपको डर नहीं है, हम नाश हो जा रहा है, मर जा रहा है, तो यीशु मसीह खड़ा होकर क्यों हम डर रहा है? यही प्रॉब्लम है। चलो आंधी तूफान थम जाओ, थम गए। आमेन। आपको तरीका आना चाहिए, तरीका, यू शुड नो द तरीका। नंबर वन, किसको साथ बात कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। क्या चाहिए आपको वो आपको प्रभु के पास रखना है। प्रभु के पास रखने से पहले आप दो तीन बातों को याद रखना। नंबर वन, सच में आपको वो कितना जरूरत है। हेलो प्रभु, ये टीवी जरूरत है, टीवी जरूरत है, टीवी जरूरत है, किसी लिए बैठा टाइम? सामने वाली लड़की इतना बड़ा टीवी दिख रही, मुझे उससे 4-5 ज्यादा इंची बड़ा टीवी दे देना। अच्छी बात है, जैसे वो टीवी आ गया अब प्रार्थना का लायक नहीं बन जाएगी, जो भी बच्चा बच्चा प्रार्थना वो भी चला जाएगा। बेटा आओ बेटा, दो मिनट पास वो कुछ आ रहा है उल्टा चश्मा, मैं देखूंगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मालूम है? जिसको परमेश्वर का हजूरी में मांग रहा है ना, वो कहीं आपको जंजीर तो नहीं बन रहा है? जिसको परमेश्वर से मांग रहे हैं कहीं वो आपको आपको भक्ति का जंजीर तो नहीं बन रहा है? आपको भक्ति, आपको बढ़ोतरी को परमेश्वर से रिश्ता में वो दरार तो नहीं पैदा कर रहा है? परमेश्वर के साथ आपको जीने में वो आपको पीछे तो नहीं लेके जा रहा है? इन चीजों को याद रखना। सो इसका भाषा चाहिए, इसका मतलब क्या हम टीवी वगैरह नहीं मांग रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, अब जो चाहिए वो मांगिए, अच्छा है। मगर आपको मालूम होना चाहिए वो आपको सच में कितना। ये गौरव थी, वो 22 साल परमेश्वर के लिए दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, परमेश्वर प्लीज मुझे आप एक बार दिखाई देना, दिखाओ तो दो अपने आप को दिखाओ प्लीज। 22 साल के बाद परमेश्वर चिढ़ गया, आकर बोला बेटा हाँ आ गया, बोलो गया किसी भी अखुदा रहे, जस्ट फॉर फन मैं देखना जा रहा था अब कैसा रहेगा। 22 साल इसी बात का पीछे टाइम वेस्ट कर, हमें पता ही नहीं परमेश्वर आया तो क्या मांगना क्या करना, फिर भी परमेश्वर को बुलाते परमेश्वर आ जाओ उत्तर करा दो, ऐसा इधर 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 डालो ऐसा डालो, परमेश्वर हाँ आ गया क्या है आ गया परमेश्वर, हाँ इतना ही मांग रहा था ठीक है ओके अब चला जाओ मैं अपना घर को चला जाऊंगा। कहीं ऐसा भक्ति में तो नहीं लगा हुआ आप लोग? ऐसा उपवास तो नहीं कर रहे आप? जब मैं इसको पता था मैं किसके साथ बात कर रहा हूं वो क्या कर देगा, उसके बाद मेरा नाम का आगे सामने आने आगे पीछे क्या हो जाएगा। उसका बाद इतना बड़ा महान हो गया, तो शादी किसी का बाद किसी के घर में हो रहा था, सबसे पहले वो आइडिया को भी लेने के लिए एफएस के पास आ रहे थे, भैया एक मिनट क्या हो बेटा शादी करना है, कितना चेक कितना चाहिए आपको, दो तीन लाख चाहिए, दो तीन लाख में क्या हो जाएगा, दो तीन करोड़ लेकर जाना, अरे इसको ले देना। जो प्रभु से मांगता है वो मांगता नहीं रह जाएगा, देने वाला बन जाएगा। जब बेस महान है इसीलिए महान है, वो महान परमेश्वर के साथ हाथ मिलाया है। इंट्रोडक्शन में ही हमारा कंक्लूजन हो जाना है। तरीका मालूम होना चाहिए, यू शुड नो द मैटर, किसको सब बात कर रहा है आपको मालूम होना चाहिए, क्या मांग रहे आपको मालूम होना चाहिए, मिलने के बाद क्या करेंगे आपको मालूम होना चाहिए। मकसद ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। प्राइस द लॉर्ड, यह बेसिक मतलब मकसद का महान ये जो आग जो है
ये जो आपका अंदर जो ये पैशन जो है आपको मरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। एक बार इंडियन आर्मी में 1971 का फाइटिंग, एक घोर का व्यक्ति जो है, सब लोग जा रहे थे, वो भी अपना रेजिमेंट में जा रहा था। उन लोग जाने के समय में लैंड माइंस, नीचे बॉम्ब्स रहता है, जैसे उसके ऊपर पैर रखा तो पैर रखकर उठा दिया तो समझो वो फट जाएगा। उसे उस लाइन से होकर उन लोग जा रहे थे, जैसे ही जा रहे थे अचानक जाकर उसे उसका पैर जो है उस लैंड माइन को भरा गया। जैसा पैर उठाया दोबारा पैर नहीं दिखाई दिया उसको, फट गया उसका पैर। तो उसको फिर साइड में लेकर गए, सो पूरा इसका पैर शरीर लटक रहा था। उसने अपना लोगों को बोला, प्लीज भैया एक काम करो यार, इस पैर को कोई काट देना, पहले ये जो झूल रहा है लटक रहा है इसको थोड़ा हटा दो। नहीं हम नहीं हटा सकते, हम हिम्मत में नहीं है। उसको एक काम करना, वो तलवार जो है हमारा वो लेकर आना। जैसे ही तलवार लिया, अपना पैर को आप एक झटका से काट दिया, उसने इसको कहा दबा देना। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का लड़ाई हो रहा है। सो पाकिस्तान अचानक उन लोग घूम घूम कर एक डॉक्टर मिला, वो भी पाकिस्तानी मिला। सर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रहा है, आप डॉक्टर को पाकिस्तानी डॉक्टर को लेकर आए, वो कुछ जहर डाल दिया तो नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा हम। सो डॉक्टर तो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। हेलो, हम ही अपने दिलों में सीमाओं को रखकर नफरतों को फैलाकर घूम रहे हैं। दिमाग से इस नफरतों को हटा दिया, दुनिया ही जन्नत है। हालेलुया। उसके बाद जो है उसको लकड़ी का पैर मिल गया। उसके बाद सर थैंक यू सो मच, आप हमारा वार में, पाकिस्तान और इंडिया का वार में आपने बहुत सहयोग दिया, और आपको हम पेंशन दे देंगे, आप घर को चला जाना। सर आपका वो तारीफ के लिए मैं आभारी हूँ। मगर जो लास्ट का लोअर लाइन जो है, मुझे अभी तक मुझे पता नहीं था मैं आभारी छूंगा कर। वो लाइन जो है मुझे सच में लंगड़ा बना दिया। मैं भारत को पैर देने के लिए नहीं आया हूं, पैरा देने के लिए आया हूं, जान देने के लिए आया हूं। मेरे बाप को बोलकर आया हूं, गाड़ी में आऊंगा तो वापस तिरंगा को लहराते हुए आऊंगा, नहीं तो तिरंगा में लिपट कर आऊंगा। मेरा पैसन है, मैं भारत के लिए आया हूं। सो आपको दो पैरों से मतलब है, मुझे दो पैर है, चाहे लकड़ी का हो चाहे रियल का हो। हेलो, आपका टारगेट क्या है, आपका मकसद क्या है? पूरा बविंजा हफ्ता में यहाँ चर्च में बैठकर चला जाऊंगा बोलकर हमारा यहाँ आए हैं, यहाँ बैठा हूं तो कुछ लेकर ही जाऊंगा बोलकर यहाँ टारगेट है। हमला का टारगेट है, प्रभु मुझे बेटा चाहिए, बांझ बनकर आई बेटा को लेकर चला गई और बेटा को छोड़कर चला गए, उसको परमेश्वर ने पांच बच्चा दे दिया। क्या बात है, आमेन, हालेलुया। तरीका आपको मालूम होना चाहिए, तरीका आपको मालूम, इस तरीका को नंबर वन किसको साथ बात कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए, नंबर दो क्या मांगना आपको मालूम होना चाहिए, नंबर तीन कब तक मांगना आपको मालूम होना चाहिए, नंबर चार जो है कैसा मांगना आपको मालूम होना चाहिए, नंबर पांच जो है मांग और मिलने के बाद क्या करना आपको मालूम होना चाहिए। ये बातें आपके जीवन में रहेगा तो आपको कोई भी निराशा नहीं कर सकता, आपको कोई भी निराशा नहीं करेगा। उसके बाद वो इतना बात को परफेक्ट मेथड को इतना बड़ा सेटिंग करके रखा है, उसको पता है परमेश्वर ही मुझे आगे लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे परमेश्वर के पास आया, उसने मांगा, मांगने के बाद जो है प्रभु ने उसको दे दिया। ये बात में इस बात में सिर्फ और सिर्फ उसका उसे कैसा स्टेज बनाया उस बात को बताया। आमेन, हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ उसने परमेश्वर को बस जाने के लिए का बात ही बताया मैं आपको। आमेन,
और उसने एक एक अल्फाजों में क्या क्या छुपा हुआ है नेक्स्ट क्लास में रहेंगे देखेंगे और मैं विश्वास कर रहा हूं उस क्लास में जब हमें समय हासिल करेगा। आप यहां से आज जाबे जान कर चला जा रहा आमेन हालेलुया। मुझे पता है जो बातों को आज अपन दिल में रखकर उपवास रख रहा है यही ही बात का पीछे आप कितना महीने से उपवास रख रहा है यही बात के पीछे कितना दिनों से उपवास रख रहा है। आपको पता है पिछले दिनों में जब हम सब लोग इकट्ठा हुए थे हम कुछ एक लैंड के लिए हम सभी लोग मिलकर उपवास रखे मालूम है प्रभु ने आपको दे दिया मतलब यहां जो है जो मांगा जा रहा है वो मिल जा रहा है आप क्यों अभी तक चुपचाप है क्यों आप अभी तक चुपचाप है जाबेज ने मांगा लेकर चला गया आज जाबेज तो जिंदा नहीं है मगर जाबेज का परमेश्वर जिंदा है तब की बारी जाबेज का अब की बारी हर एक अल्फाज को परमेश्वर अपने जीवन में पूरा करेगा जो अल्फाजों को आप अपना प्रॉब्लम के लिए बना कर रखें जो अल्फाजों का अपना परेशानियों के लिए बना कर रखें जो आप जो बातें जो अपने लिए जो आप बना कर रखे हैं वो सब कुछ परमेश्वर वो ही लाइन आखिरी में आपको देकर भेजेगा वो जो भी कुछ आपने बोला वो परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया।